Welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. So this is Bank Nifty chart. Let's start with Nifty. So Nifty में आप देख सकते हैं कि ये आज फिर एक बड़ा गैप अप हुआ. कल इंट्राडे सेलिंग आई थी आप 400 से 300 पॉइंट्स की फ्रॉम 16900 टू 16555. ये काफ़ी सेलिंग आई थी तो लगा था कि कल और परसों का लो भी टूट गया था, तो ऐसा लगा था कि निफ्टी शायद ये फेल्ड ब्रेकआउट दे दे. बट हमने व्यू कल हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, हमने व्यू न्यूट्रल कर लिया था. तो अभी वापस से आज गैप अप हुआ, तो चैलेंजिंग टाइम्स हैं एक ट्रेडर के लिए. अगर आप ट्रेडर हैं तो और स्विंग ट्रेडर हैं 2 to 3 days, तो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि गैप डाउन इंट्राडे सेलिंग आ रही है, फिर अगले दिन फिर 250-300 पॉइंट का ऊपर गैप अप हो रहा है, तो मुश्किल होता है ऐसे में ट्रेड करना. तो अभी निफ्टी फिर बुलिश, व्यू तो बुलिश ही है, बट अभी हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि आज एक तो FOMC मीटिंग है और अभी स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अभी बीच में कोई स्टॉप लॉस नहीं रख सकते. 16400 का ही स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो 16400 के स्टॉप लॉस पे 16500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से लो रिस्क एंट्री पॉइंट नहीं है. तो और ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी पे, 17000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है. अभी भी PCR 0.34 है इस पे, इट मींस कि कॉल राइटर्स अभी भी ये लेवल गिव अप करने को तैयार नहीं है. तो 17000 इधर और 17050 आप देखें तो ये रेड जो मूविंग एवरेज है, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये भी 17040 पे, तो रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं, एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, क्योंकि OI और जो मूविंग एवरेज है उससे एक रेजिस्टेंस जोन जो मिल रहा है हमें, वो है 17000 to 17050. तो एक ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और आज एक FOMC मीटिंग भी है, उससे अगर 25 बिप्स तो प्राइस इन है, बट अगर 50 बिप्स या उससे ज़्यादा आता है या कुछ और स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है तो हम वापस 16600-17000 की तरफ जा सकते हैं. तो और तो इसलिए लो रिस्क एंट्री पॉइंट नहीं है, इसलिए हम कोई ट्रेड नहीं लेना चाहेंगे. व्यू बुलिश ही है, बेरिश रहे, बेरिश व्यू इट विल टर्न बेरिश ओनली बिलो 16420 to 16500 इफ इट इज ब्रोकन फॉर टारगेट्स ऑफ 16000 to 15400 एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट इज एट 15400 to 500. सो नो ट्रेड इन निफ्टी एज ऑफ नाउ. द व्यू हैज टर्न बुलिश अगेन, but let's see if we get a low risk entry point. On Bank Nifty we have been bullish, our stop loss was not hit yesterday, so Bank Nifty we can trail. So Bank Nifty we can keep a stop loss, trail the stop loss now to 34600. So we can trail the stop loss to 34600. एंड अगर बैंक निफ्टी में आप देखें, ये आइलैंड रिवर्सल गैप अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो हमने बैंक निफ्टी 35400 के ऊपर लॉन्ग किया है. स्टॉप लॉस हमने 2 दिन के लो के नीचे लगा लिया है 34600 का. टारगेट अभी भी मेंटेन्ड है, जो ऊपर का पैरेलल चैनल ये बन रहा है, आप ये देखें. तो अभी इस पैरेलल चैनल अब कोई वैलिडिटी रह नहीं गई, तो इस ट्रेंड लाइन को हम हटा लेते हैं. तो ये एक ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है 44000 का, वो अगर बैंक निफ्टी इस पे ब्रेकआउट देती है तो 44000 का लेवल है. बट अभी जो इनिशियल हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, वो यही है 38000 से 38200 जो टारगेट हमारा है. इसमें बीच में ये रेजिस्टेंस जोन आएंगे, बट हमें लगता है कि ये 35400 के ऊपर एक हायर हाई हायर लो पैटर्न भी, मतलब एटलीस्ट स्मॉल टाइम फ्रेम पे बन रहा है, तो
हम इसी व्यू के साथ रहना चाहेंगे। 35,400 पे हमने लॉन्ग किया है, स्टॉप लॉस 34,600 का, टारगेट 38,000 से 38,200 का। स्लोली ये यहाँ पे जाना चाहिए, ये हमारा व्यू है। लॉन्ग टर्म सपोर्ट रहेगा 30,500 से 31,000। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आज FOMC की मीटिंग है, उसके बाद ही कुछ डायरेक्शन डिसाइड होगी। उसके बाद 3 डे हॉलीडे है, तो मंडे से ही मोस्टली एक्शन स्टार्ट होना चाहिए। किसी भी साइड, जिस साइड FOMC मीटिंग का डिसीजन आता है, तो वेट करें। बैंक निफ्टी पे हम लॉन्ग हैं, निफ्टी पे न्यूट्रल हैं, यही अभी व्यू है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। I would like to mention that we've started an online app on Android with the name Nuresh Tech, which has a lot of interesting videos, as well as you can subscribe our online technical analysis course over there, which is accessible to you via the phone as well as on the web. Also, you can connect with us on the daily technical traders room, which is a broadcast channel on Rigi app. The link is given in the introduction. So these are two places you can keep getting updates during the day from us.